हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम फर्म्स एक्सपेंशन पाथ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ फर्म्स एक्सपेंशन पाथ को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी एक वीडियो है पहले जिसमें हम लोगों ने लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया है। उसमें हमने आइसोकांट और आइसोकॉस्ट कर्व वगैरह को डिस्कस किया है। अगर आप उस वीडियो को पहले देख लेंगे तो एक्सपेंशन पाथ को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंशन पाथ को इकोनॉमिक्स में जिसको हम एक्सपेंशन पाथ कहते हैं उसको हम स्केल लाइन भी कहते हैं। एक लाइन होती है दैट कनेक्ट्स द कॉस्ट मिनिमाइजिंग इनपुट्स कॉम्बिनेशन एट द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वेरीज। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें लीस्ट कॉस्ट फैक्टर्स के पॉइंट्स को जोड़ा जाता है, उससे ही पाथ बनता है। तो अगर आप वो पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया गया कि लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं। अच्छा, यहां पर जो हमारी इनपुट्स के प्राइस हैं उनको हम कांस्टेंट रखते हैं। हल्का सा एग्जांपल आइडिया दे देता हूं पुराना वाला कि मान लीजिए ये हमारे पास लेबर है और ये कैपिटल है। ठीक है। अब ये हमारे आइसोकांट है, यानी इस आइसोकांट पर जो भी कॉम्बिनेशन हम लेंगे वो हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा। से फॉर एग्जांपल एक्स लेवल ऑफ आउटपुट है तो इस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो हमें एक्स लेवल ऑफ आउटपुट ही देंगे। यानी ये जो दोनों हमारे इनपुट्स हैं ये होमोजीनियस है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, लेकिन हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो सेम रहेगा। लीस्ट कॉस्ट कहां जाती है कि इसके साथ हम जब ये हमारा आइसो कांट है इसके साथ हम आइसो कॉस्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब हम ये आइसो कॉस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं तो जहां पर ये टेंजेंट पॉइंट होता है वो लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कहलाता है। यहां पर जो हमारे ये फैक्टर ऑफ इनपुट्स हैं ये लीस्ट कॉस्ट है, यहां सबसे कम कॉस्ट इन पर आ रही है। तो जो हमारा एक्सपेंशन पाथ है, मान लीजिए अब हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, हम अपने आउटपुट को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक्स वन हो जाएगा और बढ़ा लीजिए एक्स टू हो जाएगा, और इसी तरह से हमारी लाइन भी बढ़ती चली जाएंगी। तो ये जो एक टेंजेंट पॉइंट निकल कर आएंगे ये बेसिकली कहलाते हैं एक्सपेंशन पाथ। ठीक है। और यहां जो हमारे ये जनरली जो हम इनपुट लेते हैं वो कैपिटल और लेबर लेते हैं, कोई भी लिया जा सकता है, एग्जांपल है। तो जब हम इसके प्राइस की बात करेंगे, रेट की बात करेंगे, तो लेबर को हम आर से डिफाइन करते हैं और कैपिटल को लेबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल को R से, क्योंकि अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं इसलिए इसको यहीं बता देता हूं। ठीक है। अच्छा, अल्फ्रेड स्टोनर और डुगलस हिक ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं कि दैट लाइन विच रिफ्लेक्ट्स लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन फैक्टर प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट। वो कहते हैं कि वो पॉइंट जो लीस्ट कॉस्ट फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम उन सारे पॉइंटों को टच करती हुई एक लाइन खींचेंगे, यानी एक लाइन जो उन सारे लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन को टच कर रही हो उसको हम एक्सपेंशन पाथ कहते हैं, जबकि सारे फैक्टर प्राइस कॉन्स्टेंट रहते हैं, यानी प्राइस डब्ल्यू और आर ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। अच्छा, इस थ्योरी के अंदर हम कुछ अजम्पशंस भी लेके चलते हैं। मान लेते क्योंकि ये थ्योरी है, इसमें जो हमने दो फैक्टर लिए हैं, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब जाहिर है आप प्रैक्टिकली कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। तो हम मान के चलते हैं, यहां पर पहला अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि दो फैक्टर हम लेके चलेंगे, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जनरली वो हम लेबर और फिजिकल कैपिटल को मानकर चलते हैं। दूसरा अजम्पशन है होमोजीनियस इनपुट्स हैं, यानी ये एक दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। ठीक है। तीसरी बात, जैसे हमने बताया कि इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको
आर से रिप्रेजेंट करेंगे इनके प्राइसेस को, क्योंकि जाहिर है इसका हम कंपैरिजन आगे दिखाएंगे. और एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं कि द प्राइस ऑफ द फर्म इंक्रीजेस इज टोटल एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इट्स आउटपुट. फर्म को अगर अपना आउटपुट बढ़ाना है तो वो अपने पूरे एक्सपेंडिचर को चेंज करेगी. अगर मान लीजिए सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, अगर सारे फैक्टर वेरिएबल हैं, फिक्स फैक्टर कोई नहीं है, सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हैं, इसका मतलब ये एक्सपेंशन पाथ हम लॉन्ग रन में ड्राइव कर रहे हैं. ये लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ है, क्योंकि यहां हम कह रहे हैं कि फर्म्स को चेंज करने के लिए सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा. फर्म्स को अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने के लिए सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा. दैट मींस ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल, देयर इज नथिंग एज फिक्स्ड फैक्टर. ठीक है, अच्छा हम अब इस थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. उसके लिए मैं पहले एक सही से ड्राइंग बना लेता हूं, फिगर बनाकर फिर हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. तो अब इस फिगर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि फर्म एक्सपेंशन पाथ किस तरीके से ड्राइव किया जाता है. देखिए ये फिगर देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा पिछली वाली वीडियो में. मैं इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि वो थोड़ा सा पीछे की वीडियो आप पहले देख लीजिए, तो ये आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो हमारी आइसोकॉस लाइन है ये किस तरीके से बढ़ रही है और किस तरीके से ये आइसोकांड ऊपर बढ़ रहा है. तो देखिए अब हम यहाँ पहले हम आइसोकांड की बात, वो आइसोकॉस लाइन की बात करें, C1 और L1, ये हमारा कैपिटल है, कैपिटल इधर बढ़ रहा है हमारा और लेबर इधर बढ़ रही है. तो ये हमारा C1 और L1 यानी कैपिटल 1 और लेबर 1. अब क्योंकि ये मैंने अजम्पशन में बताया था कि होमोजेनियस फंक्शन है, यानी हम किसी को भी बढ़ाकर कैपिटल को बढ़ाकर लेबर घटा सकते हैं और लेबर को बढ़ाकर कैपिटल को घटा सकते हैं, लेकिन हमें सेम प्राइस ही मिलेंगे और सेम आउटपुट ही मिलेगा हर पॉइंट पर. तो ये जो पॉइंट E1 निकल कर आया है, यानी ये हमारी आइसोकॉस लाइन है और ये हमारा आइसोकांट है, ये जहां टच हो रहे हैं वो पॉइंट है ई. वो क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी लेबर कितनी बड़ी या घटी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है उसका रेशियो, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यानी रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल होता है इस पॉइंट पर इन दोनों के प्राइसेस से. यानी कहने का मतलब यह है कि द फर्म्स कॉम्बाइंस लेबर एंड कैपिटल इन सच अवे दैट द रेशियो ऑफ देयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस. लेबर की अजम्पशन के अंदर लेबर की प्राइस हमने क्या लिए थे, W, और कैपिटल के R. तो कहने का मतलब यह है कि रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस. देखिए यहां पर एक मान लीजिए ये आपका आइसोकॉन्ट है, तो यहां पर ये लेबर है और ये कैपिटल है, ये कैपिटल है. यहां पर हर पॉइंट पर दोनों का रेशियो चेंज हो रहा है ना, कैपिटल और लेबर का रेशियो चेंज हो रहा है हर जगह पर. ठीक है, लेकिन एक जगह ये रेशियो जब हम इसके साथ प्राइस लाइन लगा देंगे तो ये रेशियो इनके प्राइसेस पर, प्राइस लाइन से मेरा मतलब है आइसोकॉस लाइन, जब हम आइसोकॉस लाइन इसके साथ लगा देंगे तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पर इन दोनों फैक्टर्स के प्राइस का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा. तो इसमें आ रहा है हमारा W अपॉन R, यानी रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल, और इस कर्व से हमें मिल रहा है, आइसोकॉन्ट से हमें मिल रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. ओके, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पॉइंट E है, इस पॉइंट के ऊपर रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल होता है रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ लेबर
एंड द प्राइस ऑफ आर. और यही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी होता है, या उसी पुरानी वीडियो में मिल जाएगा आपको, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. अच्छा, ये तो बात हो गई पहले वाले की, जहां हमने कहा कैपिटल वन लेबर वन. बिल्कुल इसी तरीके से जहां से यहां पर हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ईवन मिला है, अब मान लीजिए कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जाहिर है जैसे हमने अजम्पशन में लिया था कि ये पर यहां ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, तो यहां पर सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल्स हैं, तो वो सारे फैक्टर्स को बढ़ाकर अपनी आइसो कॉस्ट लाइन को ऊपर ले जाएंगे C2 L2. ठीक है. और इन दोनों लाइन को, इस अमाउंट को टच करने के लिए हमारा नया आइसोकांट आ जाएगा, जो हमें ये 100 आउटपुट दे रहा था, ये हमें 200 आउटपुट दे रहा है, और इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 है. और E2 जो पॉइंट है, यहां पर भी इस कॉस्ट लाइन के रेशियो के प्राइसेस इक्वल होंगे इस आइसोकांट के मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पर. और इसी तरीके से सिमिलरली E3 के अंदर होगा, और आप जितने चाहे बनाते चले जाइए. ठीक है. यहां जितने भी ये हमारे पॉइंट्स हैं E1, E2, E3, ईच पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इंप्लाइज ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट प्रोड्यूसेस ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट. और जब आप इन सारे ऑप्टिमम पॉइंट्स को मिलाती हुई सेंटर से, ओरिजिन से सारे सेंटर्स को मिलाती हुई आप एक लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन जो EP है यही कहलाता है एक्सपेंशन पाथ. ये लाइन कहलाती है एक्सपेंशन पाथ. यानी इस लाइन के ऊपर प्रोड्यूसर कितनी भी लेवल्स को बढ़ाता चला जाए आउटपुट के, और कितनी भी लेवल को घटाता चला जाए, हर पॉइंट प्रोड्यूसर को लीस्ट कॉस्ट फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन देगा. यानी हर पॉइंट पर E1, E2, E3 या इससे ऊपर और चलते चले जाइए, हर पॉइंट पर जब भी वो अपने लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाएगा, उसको इस लाइन पर अगर वो अपने इक्विलिब्रियम को सेट रखेगा, तो उसको लीस्ट कॉस्ट मिलता चला जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब एक बात ये हो गई कि ये जो हमारे इसका कर्व है, ये बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और कैपिटल के रेशियो पर डिपेंड करता है, या प्राइसेस पर जो इनका कर्व है वो डिपेंड करता है रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, इनके प्राइसेस के रेशियो पे फर्क पड़ता है. अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि अगर जो रेशियो है वो बढ़ गया, दोनों इनपुट्स के बीच में रेशियो बढ़ गया, यानी ये बढ़ गए. जब रेशियो अगर बढ़ गया तो होगा क्या, जो हमारा एक्सपेंशन पाथ है वो फ्लैट हो जाएगा. इस तरह से हो जाएगा. ठीक है. और मान लीजिए अगर रेशियो घट गया तो इसका मतलब ये कैपिटल बढ़ रहा है हमारा और उसके प्राइस, तो ये हमारा जो एक्सपेंशन पाथ है वो स्टीप हो जाएगा. समझ रहे हैं. यानी रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, यानी जो कैपिटल और लेबर है उसके जो प्राइसेस का रेशियो है, अगर वो बढ़ेगा तो हमारा एक्सपेंशन पाथ फ्लैट हो जाएगा, और अगर वो घटेगा तो हमारा एक्सपेंशन पाथ स्टीप हो जाएगा. लेकिन यहां तीनों, 1, 2, 3 और जितने भी बन जाए, जितने भी हमारे एक्सपेंशन पाथ हैं, ये सब के सब होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन को शो करते हैं. ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन नॉन होमोजीनियस है तो क्या होगा. होमोजीनियस है तो सीधी लाइन आ रही है. अगर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन नॉन होमोजीनियस होगा मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, थोड़ी बहुत अच्छी नहीं बनेगी, तो होगा क्या हमारे यहां,
इसके अंदर जो हमारा कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी. मान लीजिए एक जगह हमारा जो कॉम्बिनेशन था वो ये मिला, अगली बार हमें ये कॉम्बिनेशन मिला, उससे अगली बार हमें ये मिला, फिर मान लीजिए कोई और मिल गया, तो जो हमारा कर्व है वो zigzag लाइन हो जाएगी. अगर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन नॉन होमोजेनियस है, ठीक है, अगर होमोजेनियस हो तो सिंपल सीधी लाइन रहेगी, कहीं भी जाए वो स्टीप हो, वो स्टीप हो जाए या फ्लैट होती जाए, फ्लैट होती जाए, स्टीप, जिस तरह भी वो हो जाए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो रहेगी सीधी लाइन, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन ही रहेगा. लेकिन अगर नॉन होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है तो फिर लाइन जिगजैग हो जाएगी. और जाहिर है हर पॉइंट, जहां भी पॉइंट मिलेगा वहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का जो रेशियो है कैपिटल के साथ वो उसके प्राइसेस के रेशियो के बराबर होगा. ठीक है, तो ये जो हमने अब तक डिस्कस किया ये किया हमने लॉन्ग रन का, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए एक कंडीशन आ गई कि हमारा एक फैक्टर जो है वो फिक्स है, तो सारा दारोमदार दूसरे फैक्टर पर रह जाएगा जो चेंज हो रहा है, क्योंकि एक तो फिक्स है. उस केस में ये हमारा जो एक्सपेंशन पाथ है वो कैसा होगा. ठीक है, तो मैं फिगर बनाता हूं और बनाकर फिर उसको बताता हूं कि शॉर्ट रन में अगर हम एक्सपेंशन पाथ को ड्राइव करेंगे तो कैसे ड्राइव करेंगे. ओके, तो देखते हैं कि शॉर्ट रन में आखिर क्या केस होता है. अगर मान लीजिए शॉर्ट रन है तो फ्रॉम एक्सपेंशन पाथ को हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या एक्सपेंशन पाथ के ऊपर प्रोडक्शन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. देखिए जब ये शॉर्ट रन है तो जाहिर है एक फैक्टर कोई भी फिक्स है और एक वेरिएबल है. तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा कैपिटल है वो फिक्स है और लेबर वेरिएबल है. हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा कैपिटल जो है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, लेबर हमारी चेंज हो सकती है, कैपिटल ऊपर नहीं जा सकता. अब इस कंडीशन के लिए मैं अब अगर हम मान के चलें कि ये वही फिगर है, मैंने फिर से उसको दोबारा ड्रॉ कर लिया है. देखिए एग्जांपल ले लीजिए कि हम पुराने वाले अपने एक्सपेंशन पाथ को लेकर चल रहे हैं जो सारे के सारे लीज कॉस्ट कॉम्बिनेशन के फैक्टर्स के लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को चूज करता है. सपोज कर लीजिए हमारा ये वैसी पुराना वाला है. ठीक है, अब अगर हम इसी को अपना एक्सपेंशन पाथ मानकर चलें तो इसके मुताबिक कैपिटल भी बढ़ रहा है और लेबर भी. देखिए हर पॉइंट पर दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो ये तो नहीं हो सकता किसी भी हाल में. क्यों? क्योंकि हमारा कैपिटल फिक्स है. तो मान लीजिए कैपिटल हमारा यहां फिक्स है C0, मान लीजिए कैपिटल, बल्कि इसको C4 कर लीजिए चाहे, कैपिटल हमारा यहां फिक्स है मान लीजिए, तो कैपिटल तो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है. जितना भी चेंज आना है वो लेबर में आना है, बिकॉज लेबर इज कंसीडर्ड टू बी दी वेरिएबल फैक्टर. तो मान लीजिए अगर आप लेबर के अंदर चेंजेस आ रहा है तो हमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिले, एक ये कॉम्बिनेशन मिला, दूसरा ये कॉम्बिनेशन मिला और तीसरा ये कॉम्बिनेशन मिला. ठीक है, यानी अब ये हमारा एक्सपेंशन पाथ हो गया. लेकिन क्या इस एक्सपेंशन पाथ पर प्रोड्यूस किया जा सकता है? जहां तक फर्स्ट लेवल है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा लीस्ट कॉस्ट फैक्टर नहीं है, ये हमारा ऑप्टिमम लेवल नहीं है, क्योंकि ये हमारी इस प्राइस लाइन से बाहर जा रहा है. यानी इसके आगे जितने बढ़ते चले जाएंगे वो और ज्यादा डेविएट होते चले जाएंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. आई होप यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ एडवाइजेस दीजिए. थैंक यू सो मच.